हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप जो है फिल्मोरा जो कि 12 है, बहुत अच्छा वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर आप कैसे टाइमलाइन को समझ सकते हैं, कैसे किसी टाइमलाइन को हाइड कर सकते हैं, कैसे अनहाइड कर सकते हैं, कैसे उसमें जो है टाइमलाइन में एक वीडियो के ऊपर दूसरा वीडियो ऐड कर सकते हैं, कैसे किसी वीडियो का जो है आप आइडियो हटा सकते हैं, कैसे जो है वीडियो के जो है पीछे आप बैकग्राउंड में एक म्यूजिक लगा सकते हैं, इन सभी चीज़ों के ऊपर डिटेल से आज हम बात करने वाले हैं। क्योंकि अगर आप फिल्मोरा 12 के ऊपर वीडियो एडिटिंग करते हैं तो आपको जो है इनके जो भी टाइमलाइन है उसको जानना अति आवश्यक है। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल से आपको बताएंगे कैसे टाइमलाइन का यूज करना है, साथ में कुछ ऐसे टिप्स भी हम आपको बताएंगे जिनसे आप क्या कर सकते हैं, फिल्मोरा 12 को लाइफ टाइम के लिए यूज कर सकते हैं विद वाटर या विदाउट वाटर मार्क। तो इसके लिए आपको पूरा वीडियो ध्यान से देखना होगा। उससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। इसके लिए हम चलते हैं यहाँ पे अपने लैपटॉप पे और अपने क्या है फिल्मोरा 12 को ओपन कर लेते हैं। जैसे ओपन करते हैं आपके सामने इसका इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे आपको सिंपल से न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर जाना है, क्योंकि मैंने कई वीडियो इसके ऊपर बना दिए हैं तो अब मैं वहाँ पे बार बार नहीं बताता हूँ कि ये सब चीज़ें क्या है, क्रिएट प्रोजेक्ट, क्लाउड प्रोजेक्ट क्या है। न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर सिंपल से आपको क्लिक कर देना है, क्योंकि इसके पहले मैंने 3 वीडियो ऑलरेडी बना दिए हैं जिसमें मैंने बताया है कि आप कैसे फिल्मोरा 12 को इंस्टॉल करते हैं, कैसे उसका कंप्लीट मैंने इंटरफेस बताया है, कैसे मीडिया सोर्स जो कि आप यहाँ पे मीडिया का ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने मीडिया के ऊपर और स्टॉक मीडिया के ऊपर डिटेल से वीडियो बनाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो एक बार अवश्य देख लीजिए। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिंपल से यहाँ पे मीडिया ऐड करने के लिए यहाँ पे जाते हैं, इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं यहाँ पे आपके मीडिया जितनी भी लैपटॉप के अंदर जहाँ पर होंगी वो दिखने लगेंगी। आप जो चाहे मीडिया यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, कुछ मीडिया फाइल्स और ऑडियो वगैरह को क्या कर लेता हूँ, ऐड कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे ओपन के ऊपर क्लिक कर देते हैं। जैसे ओपन के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे ये चीज़ें आ गई। मैं यहाँ पे आपको एक और वीडियो इंपोर्ट करता हूँ जिससे आपको दिखाऊंगा कि कैसे एक वीडियो के ऑडियो को हटा के या एक वीडियो को दूसरे वीडियो के साथ में ऑडियोग्राफ की सहायता से सिंक कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपल से यहाँ पे OBS में ही जाते हैं और यहाँ पे फिल्मोरा का मैंने जो वीडियो बनाए हुए हैं इसमें से हम कोई वीडियो एक ओपन कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैं ये दो ओपन कर लेता हूँ और इनको अभी समझाता हूँ कि कैसे आप इन वीडियो के जो है ग्राफ को आपस में सिंक कर सकते हैं। तो जैसे कि ये सबसे पहला मेरा वीडियो है, इसको मैं यहाँ पे ट्रैक पे ले आता हूँ। ये होता है आपका, नीचे देख सकते हैं, ये यहाँ पे आपका एडिटर ग्राफ है, अर्थात ये एडिटिंग का टाइमलाइन ऑप्शन है। इसमें आपको यहाँ पे मैंने देखो वीडियो को क्या है ऐड कर लिया है। अब इसमें थोड़ी सी चीज़ें और हम बता देते हैं। जैसे यहाँ पे ये आपको कुछ मेन्यू बार मिल जाते हैं या टूल बार, जिनका यूज करके आप यहाँ पे इसमें बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात करें, इधर यहाँ पे आपको मिल जाता है जूम इन जूम आउट का ऑप्शन। जूम इन जूम आउट क्या होता है, अगर आप इसको ऐसे करते हैं देखेंगे आपकी टाइमलाइन क्या है छोटी छोटी दिखने लगेंगी, ऐसे करेंगे तो बड़ी बड़ी दिखने लगेंगी। यहाँ मैं क्या इसको ऐसे कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे इधर और एक चीज़ ऐड है, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो ये मेरा वीडियो यहाँ पे क्या है अभी आ चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि एक ये वीडियो दूसरा वीडियो है इसको मैं श्रिंक यहाँ पे करूँ, तो इसको आपको क्या कर देना है, सिंपल से इस वीडियो को भी लाना है और इसके टाइमलाइन के नीचे मुझे इसको करना था एक्चुअल में। तो अब हम क्या करते हैं, इस वीडियो को ऊपर कर देते हैं और इस वीडियो को यहाँ पे नीचे कर देते हैं, लेकिन अभी मेरा वीडियो यही आ रहा है तो इसलिए इसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ पे। अब मैं पुनः इसको यहाँ से ड्रैग करके छोड़ देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं मेरे दो वीडियो आ चुके हैं। अब इन दोनों वीडियो के अभी ग्राफ को मैच करके हम दिखाएंगे कैसे वीडियो को श्रिंक किया था, जो हम बोलेंगे वो यहाँ पे साथ में दिखेगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ग्राफ को यहाँ से बढ़ा देते हैं, जिससे क्या है आप आसानी से इन चीज़ों को श्रिंक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जाते हैं, इसको बढ़ा देते हैं। बढ़ाने के बाद यहाँ पर भी आपको ऑप्शन मिल जाता है इधर उधर लाने का, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे आपको जाते हैं फिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ये फिट हो जाता है इसमें, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, इसमें इसको एडिट करना चाहते हैं तो इसमें ग्राफ को कैसे मैच किया जाएगा इसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। इधर के एक्स्ट्रा स्पेस को हम क्या करते हैं यहाँ से कट कर देते हैं, तो यहाँ पर हट चुका है। अब ये देखो, एक ये ऊपर वीडियो दिख रहा होगा आपको, एक नीचे वीडियो। इनके ग्राफ को बढ़ाने का तरीका, इसके आइडियो को मैं थोड़ा सा ऊपर बढ़ा देता हूँ जिससे ग्राफ सही से दिखने लगेंगे।
इसका भी बढ़ा देता हूँ, जिससे ग्राफ सही से दिखने लगेंगे। अब आपको ये जो प्ले हेड का निशान होता है इसको आपको कहीं पर एडजस्ट कर लेना है। जैसे यहाँ पे मैं इसको सिंक करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आपको जाना है, सिंपल से ऐसे बढ़ा देना है और इसको इसके पास ले आना है। आपको बहुत हिसाब से करना है, एक जगह कहीं पर भी आप इसको मैच कर लीजिए, फिर उसके बाद पूरा वीडियो का है आपका मैच हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको और बढ़ा देता हूँ। अब यहाँ पे देखेंगे कि जो ऊपर का वीडियो है मेरा, उस वो क्या है, वीडियो आगे चल रहा और ये बहुत पीछे, तो मैं क्या करता हूँ इस वीडियो को यहाँ से थोड़ा सा ऐसे पीछे कर देता हूँ। ये आप है माउस से इसके ऊपर रखेंगे और प्रेस करते हुए राइट बटन को ड्रैग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे लगभग क्या हैं, दोनों आइडियो सेम हो चुके हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है। मैं थोड़ा सा और पीछे इसको कर देता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग मेरे क्या हैं, सेम हो चुके हैं। और अगर आपको सेम करना तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा जूम कर लेंगे, जिससे क्या है, इसको आसानी से आप पीछे कर सकते हैं। देखो यहाँ से मैंने इसको और पीछे कर दिया, यहाँ पे आप देखेंगे बिल्कुल क्या है, मेरे दोनों सेम हो चुके हैं। इसके बाद अब यहाँ पे आपको छोटा कर लेना है और आप चाहें तो जिधर का पार्ट कट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इसमें थोड़ा सा पार्ट ही रखता हूँ और सभी पार्ट को कट कर देता हूँ। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, आइडियो जो है ग्राफ का यूज करके दो वीडियो को आपस में सिंक कर सकते हैं। इसके फायदे उस समय होते हैं जैसे कि आप मान लिया एक वीडियो को क्या करते हैं, लैपटॉप स्क्रीन पर रिकॉर्ड करते हैं, एक मोबाइल कैमरे से रिकॉर्ड करते हैं, तो उसमें बाद में दोनों वीडियो को जब मर्ज करना होता है तो यही करना होता है तरीका, इसी का हम यूज करते हैं। क्योंकि हम हमेशा वीडियो एक मोबाइल आगे सामने रख लेते हैं, वहाँ से शूट करते हैं और लैपटॉप पे जो भी कार्य करते हैं वहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डर का यूज करते हैं, उसके बाद दोनों वीडियो को आपस में सिंक कर देते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेरा बन चुका है। यहाँ पे अब हम जाते हैं इस वीडियो के कुछ अनवांटेड पार्ट को यहाँ से कट कर देते हैं। तो यहाँ से आपको जाना है, जब भी आप पार्ट कट करेंगे तो इसको अगर थोड़ा सा ग्राफ को बड़े में रखेंगे तो आपको ये चीज़ें आसानी से यहाँ पे देखेंगे कितने पार्ट से आप कट करना चाहते हैं। अगर आप ग्राफ को छोटा रखते हैं तो फिर जैसे मान लिया यहाँ पे मैं अभी इसको कट करना चाहता हूँ, तो अभी आपको लग रहा होगा कि यहीं से ये वीडियो स्टार्ट है, लेकिन आप इसको थोड़ा और बड़ा करेंगे तो आसानी से ग्राफ में देख सकते कितना गैप है। तो इसमें ग्राफ में एडिटिंग के समय बहुत ही आपको हेल्प करता है, क्योंकि जहाँ से ऑडियो स्टार्ट होगी वहीं पे हम कुछ बताएंगे, इसलिए आपको सिंपल से ये जो प्ले हेड निशान होता है इसको वहाँ पे लाना है उसके पहले। उसके बाद आपको पूरे वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है, इसके लिए आपको कंट्रोल ए प्रेस करना होगा अपने कीबोर्ड से, उसके बाद आपको कंट्रोल बी दाबना होगा। यहाँ से देखो क्या है, ये पार्ट स्प्लिट हो गया, मैं इधर के पार्ट को पूरा डिलीट करना चाहता हूँ, इसलिए इधर के पार्ट को दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने का दो तरीका होता है कि आपको कंट्रोल बटन दबाए रखना है, जितनी क्लिप को आपको सिलेक्ट करना है उसके लिए कंट्रोल दबा के उनको सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद मैं यहाँ पे डिलीट के ऊपर दबाता हूँ तो ये डिलीट हो चुका। अब मैं यहाँ पे आपको प्ले करके वीडियो दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे प्ले करेंगे देख सकते हैं मेरा वीडियो थोड़ा लैगिंग ले रहा है, अर्थात रुक रुक के चल रहा। तो इसके मैंने कुछ दो तरीके बताए थे। सबसे पहला तरीका था कि यहाँ पे आपको जो है ऊपर मिल जाता है, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको प्ले स्पीड का मिल जाए, इसको 1/4 कर लीजिए। दूसरा ऑप्शन होता है यहाँ पे मैंने बताया था रेंडरिंग प्रीव्यू कर लीजिए। रेंडरिंग प्रीव्यू कैसे करते हैं, इसके लिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस थोड़ा सा इस वीडियो को छोटा कर लेता हूँ। जैसे इस वीडियो को मैं यहाँ पे आता हूँ और इसको यहाँ से छोटा कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। अभी भी ये क्या है, मेरा वीडियो 31 सेकेंड का है, ठीक है, मैं इसको और छोटा कर देता हूँ और इधर डिलीट कर देता हूँ, जिससे छोटा वीडियो आसानी से क्या है मेरा रेंडर हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पे रेंडरिंग का ऑप्शन है, इसके ऊपर आपको क्लिक करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे क्या है, रेंडरिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। ये रेंडरिंग होने में थोड़ा सा टाइम ले सकता है, ये डिपेंड करता है कि आपके वीडियो जो हैं उनकी क्या क्वालिटी है, वीडियो कितना बड़ा है, वो सभी चीज़ें यहाँ पे डिपेंड करती हैं। अगर आपका काफ़ी बड़ा वीडियो होगा तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लेगा, अगर वीडियो की क्वालिटी ज़्यादा होगी तो भी टाइम लेगा। रेंडर हो चुका है, अब मैं प्ले करके आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे वीडियो मेरा क्या है, कोई रुक रुक के नहीं चल रहा। इधर मैंने क्या है, इसमें ग्राफ में ये ऑडियो मिक्सर को ऑन किया, आप चाहें तो यहाँ पर ऑडियो को यहाँ पर ऑफ कर सकते हैं, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑडियो भी आपको शो होती रहेगी। अब ये चीज़ हो गई, अब इसमें अभी आप देख सकते हैं कि ये मेरा अनवांटेड पार्ट है, इसको मैं यहाँ से डिलीट करना चाहता हूँ, अर्थात कट करना चाहता हूँ, इसलिए इसके ऊपर वीडियो को सिलेक्ट करना है और सिंपल से यहाँ पे आपको जाना है, क्रॉप का ऑप्शन ये दिखता है, इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको कस्टम वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है और इधर से लाना है ये पार्ट, यहाँ से इतना कर देते हैं।
इधर का आप ये पार्ट थोड़ा सा क्रॉप कर देते हैं, अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे वो पार्ट हट चुका है। अब ग्रीन स्किन अगर आपको लानी है तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, यहाँ पे वीडियो के ऑप्शन पे जाना है, एआई टूल के ऊपर जाना है। यहाँ पे देखो एक तो मिलता है क्रोमा की के ऑप्शन से आप इसको हटा सकते हैं, या नीचे आएंगे एआई पोर्ट्रेट का ऑप्शन मिलता है, अगर एआई पोर्ट्रेट के ऊपर क्लिक करते हैं तो भी आप देखेंगे ग्रीन स्क्रीन इसकी ऑटोमेटिक हट जाती है, आपको इसमें कोई चेंजेस नहीं करना पड़ता है। लेकिन अगर आप यहाँ पर ग्रीन स्क्रीन का ऑप्शन यूज करते हैं, जैसे मैं दिखाता हूँ, तो यहाँ पे देखो क्या इसमें अभी क्या है, इसके पीछे ब्लैक धब्बे वगैरह दिख रहे हैं, तो आपको क्या है एआई पोर्ट्रेट ऑप्शन का यूज करना है। ये बहुत अच्छा टूल होता है जो ऑटोमेटिक आपके पूरे क्या है ग्रीन स्क्रीन को हटा देगा, आपको कोई इसमें एडजस्टमेंट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये मेरा यहाँ पर हट चुका है। अब इस वीडियो को मैं थोड़ा सा साइड में लगाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं नीचे कर देता हूँ और इधर साइड में आ जाता है। ये देखो वीडियो मेरा यहाँ पर आ चुका है। अब मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरा वीडियो क्या है अच्छे से चलते हुए आपको यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे अगर आप चाहते हैं इसको रेंडर करना पुनः, तो आप यहाँ पे जा सकते हैं रेंडर के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे क्या है रेंडरिंग प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि बहुत जल्द ही क्या है यहाँ पर रेंडरिंग हो जाता है। और अगर आप जब तक ये रेंडर हो रहा है उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो कुछ बना दी हैं, जहाँ पे आप क्या कर सकते हैं जाके देख सकते हैं, जैसे कि फिल्मोरा 9, फिल्मोरा 10, फिल्मोरा 11 के ऊपर डिटेल से वीडियो बनाए हैं, और मैंने वहाँ पे बताया कैसे आप उनको फ्री में लाइफ टाइम के लिए यूज कर सकते हैं। और अगर आप फिल्मोरा 12 को जो है लाइफ टाइम के लिए बिना वाटरमार्क के यूज करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको क्या है इसका प्रो वर्जन खरीदना पड़ेगा। और अगर आप नहीं खरीदना चाहते तो इसके लिए आप हमें जो है फेसबुक पे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे मैं इस प्रकार की टिप्स बताता रहता हूँ। लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पर जाके हमें क्या कर सकते हैं फॉलो कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर मेरा क्या है रेंडरिंग चल रहा, मैं अगर यहीं से इसको कैंसिल कर देता हूँ तो मेरा देखेंगे हाफ वीडियो क्या है रेंडर हो पाया है यहाँ से यहाँ तक का, और इधर का पार्ट क्या है रेंडर नहीं हो पाया। तो जितना पार्ट रेंडर हुआ वो उसके ऊपर क्या आपको नीले कलर की लाइन दिखने लगती है, जितना रेंडर नहीं हुआ वहाँ पर रेड है। तो अभी मैं क्या करता हूँ इतना ही वीडियो रखता हूँ, प्ले के ऊपर क्लिक करते हैं, देखेंगे मेरा क्या है वीडियो बहुत स्मूथ चल रहा है, यहाँ पर कोई लैगिंग देखने को नहीं मिल रही। अब अगर यहाँ पे आप चाहते हैं इस वीडियो में थोड़ा सा इसके पीछे कोई बैकग्राउंड में म्यूजिक लगाना, तो म्यूजिक लगाने का सिंपल सा तरीका होता है, आप यहाँ पे आप चाहें तो अपने लैपटॉप से भी मीडिया सोर्स से ला के यहाँ पे ऑडियो ऐड कर सकते हैं, या आप चाहें तो यहाँ पे ऑडियो के ऊपर ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप कोई भी ऑडियो यहाँ पे ट्रैक पे ला के छोड़ सकते हैं। ये देखो मैंने यहाँ पे ले आया। अब लाने के बाद आपको क्या कर देना होगा, यहाँ पे सिंपल से इसको प्ले करेंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑडियो जो है मेरा चल रहा है, लेकिन आप अगर चाहते हैं इसको घटाना बढ़ाना, तो इसके लिए आपको क्या है सिंपल सा इसके ऑडियो लेवल को थोड़ा सा कम कर देना है, जिससे हम जो बोले वो क्लियर स्पष्ट सुनाई दे, और जो यहाँ पे हमारी ऑडियो है वो सुनाई दे, और म्यूजिक थोड़ा कम सुनाई दे। ये हो जाता है यहाँ पे ऑडियो ऐड करने का तरीका। अब एक यहाँ पे दूसरा तरीका होता है कि आप अगर चाहते हैं इस इमेज के पीछे कोई फोटो लगाना, क्योंकि आपने मेरे वीडियो देखे होंगे जिसमें कि हमें एक फ़ोटो यूज करता हूँ, उसके लिए सिंपल से क्या करते हैं यहाँ पे मीडिया पे जाते हैं, और ये मैंने क्या है एक ग्रीन स्क्रीन की इमेज यहाँ पे ले ली है। अब ये इमेज तो मैंने ले ली है, और लेकिन यहाँ पे जैसे मैं इस इमेज को क्या करता हूँ यहाँ पे स्ट्रेच कर देता हूँ, अर्थात तो एक्सपेंड करता हूँ, फुल पे करते हैं, तो आप देख सकते हैं ये इमेज मेरे ऊपर दिख रही है। तो मुझे क्या करना होगा, ये इमेज को ऐसे सेट करना है कि ये जो नीचे का सबसे वीडियो है उसके ऊपर रहे और मेरे पीछे रहे। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, ये जो मेरी लेयर है इसको मैं लेयर को ड्रैग करके ऊपर कर देता हूँ, और इस लेयर को मैं नीचे कर देता हूँ, और यहाँ पे नीचे ले आते हैं। अब ले करके आपको दिखाते हैं, देख सकते हैं वीडियो बहुत सही से चल रहा है। अभी यहाँ पे क्या है लैगिंग आने लगी है, मैं यहाँ पे रेंडर कर सकता हूँ, लेकिन रेंडर में थोड़ा सा टाइम लेता है, तो इसलिए आपको सिंपल से क्या कर देना है, यहाँ पे जाना है ग्रीन स्क्रीन इसकी हटा देना है पहले, क्योंकि जब तक आप ग्रीन स्क्रीन नहीं हटाएंगे तो यहाँ पे आपको देखो ग्रीन स्क्रीन का ऑप्शन नहीं देखने को मिला। तो सिंपल से इसके ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे आना है इमेज में और एआई टूल में जाना है, यहाँ पे आपको मिल जाता है ये एआई पोर्ट्रेट, इसी को ऑन कर देना है, ऑटोमेटिक क्या है ये इसका ग्रीन स्क्रीन हटा देता है। ग्रीन स्क्रीन हटाने के बाद अब मैं प्ले करके आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा वो जो लोगो ही गायब हो गया, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ यहाँ पे रिसेट कर देता हूँ, क्रोमा की को ऑन कर देता हूँ। क्रोमा की को ऑन करने के बाद इस इमेज को मैं अपने पीछे थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ, देख सकते हैं बहुत अच्छे से इमेज मैंने यहाँ पे एडजस्ट कर दी। अब यहाँ पे प्ले करते हैं तो आप देख सकते हैं मेरा वीडियो अच्छे से प्ले हो रहा है।
अब अगर आप चाहते हैं कि ये लैगिंग ना हो तो आपको पुनः क्या रेंडर करना पड़ेगा, ये आपको बार बार रेंडर करना पड़ेगा क्योंकि मेरा लैपटॉप का थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन क्या है लो है, इसलिए ज़्यादा टाइम ले लेता है। अगर आपका लैपटॉप अच्छा होगा तो आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैं इतना ही रेंडर रखता हूँ, इसके लिए यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं और आपको प्ले करके दिखा देते हैं। जैसे कि मेरा 87 फ्रेम हो चुका है, 90 और 565 टोटल यहाँ पे फ्रेम आपको देखने को मिलेंगे। मैं कैंसिल कर देता हूँ और यहाँ पे आपको प्ले करके दिखाते हैं। देख सकते हैं मेरा वीडियो बहुत अच्छे से यहाँ पे चल रहा है। अब ये बात हो गई, अब इसमें थोड़ी सी हम और बात करते हैं। इधर साइड में यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं इन्हें कहा जाता है ट्रैक। ये आपको बताते हैं कि कितने ट्रैक आपने ऐड किए। यहाँ पे आप जितनी चीज़ें ऐड करते जाएंगे उतने ट्रैक बढ़ते जाएंगे। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे अभी ट्रैक ऊपर, जैसे कि मैं कोई भी इमेज लाता हूँ, सिंपल से ये मैं लाता हूँ यहाँ पे रखेंगे, देखो एक ट्रैक क्या है बढ़ गया। जैसे इसको दूसरा ऐड करेंगे एक और ट्रैक बढ़ गया, यहाँ पे और ट्रैक बढ़ गया, इस प्रकार से क्या है यहाँ पे बहुत सारे ट्रैक बढ़ते जाएंगे। तो अभी हम क्या करते हैं इनको डिलीट कर देते हैं यहाँ पे, और इसको भी यहाँ पे डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पे ट्रैक आप चाहें तो इनको ट्रैक को यहाँ पे लॉक करने के अनलॉक करने के ऑप्शन मिलते हैं। अब इनको समझते हैं, जैसे कि ये मेरी इमेज है, मैं इस इमेज को नहीं दिखाना चाहता हूँ, तो इसमें यहाँ पे आपको हाइड ट्रैक का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आप क्लिक जैसे कर देते हैं, क्लिक करेंगे देखेंगे आपको वो यहाँ पे इमेज पीछे नहीं शो हो रही है। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें दूसरा यहाँ पे तरीका, इधर हम आ जाते हैं, यहाँ पे अगर आपको बैक पे यहाँ पे मिलेगा, तो यहाँ पे आप देखते हैं कि ये जो ऑप्शन होता है इस अनहाइड करने का, पुनः ये देखो क्या आपको यहाँ पे पीछे वो इमेज दिखने लगेगी। जैसे मैं इसको अनहाइड यहाँ पे कर देता हूँ। अब इसके बाद यहाँ पे और एक चीज़ होती है इसको लॉक करने की, अगर आप लॉक कर देते हैं तो इसको आपको कट वगैरह नहीं कर पाएंगे। जैसे मैं इसको लॉक कर देता हूँ, तो यहाँ पे लॉक के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे ये क्या है मेरा लॉक हो चुका है। अब इसमें आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, ना ही इसको कट कर सकते, ना ही इसको ड्रैग कर सकते, कुछ भी इसमें आप चीज़ें नहीं कर सकते हैं। तो ये एक हो गया, क्योंकि कभी कभी क्या होता है आप जब काफ़ी लेयर यहाँ पे ऐड करते हैं तो एडिटिंग के समय आप मान लिया किसी दूसरी चीज़ को कट करना चाहते हैं, दूसरी चीज़ कट हो जाती है, इसलिए आपको हमेशा जो चीज़ पे आपको मालूम है कि अब इस लेयर पे हमें कोई कार्य नहीं करना है उसको आप लॉक कर दीजिए, और जो बची हुई लेयर है उनके ऊपर आप कार्य कर लीजिए। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ कि ये देख सकते हैं आप मेरा यहाँ पे रेंडरिंग प्रोसेस क्या ऑटोमेटिक स्टार्ट है। ये कैसे होता है इसके लिए मैंने क्या किया था, यहाँ पे गए थे फाइल के ऑप्शन पे, फाइल के वो ऑप्शन पे आपको यहाँ पे प्रेफरेंसेस पे जाना होगा। यहाँ पे प्रेफरेंसेस के ऊपर आप जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पे मिलता है आपको परफॉर्मेंस का ऑप्शन। परफॉर्मेंस में आपको मिलता है बैकग्राउंड रेंडर का ऑप्शन। यहाँ पे मैंने क्या इसको ऑन रखा है, ऑन रखने से क्या होगा कि आपका वीडियो ऑटोमेटिक रेंडर होता रहेगा, आपको रेंडर करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे आप टाइम को घटा बढ़ा सकते हैं, मैं इसको कर देता हूँ केवल 2 सेकंड या 1 सेकंड कर देते हैं। इससे क्या होगा हर एक सेकंड में वीडियो आपका रेंडर होता रहेगा, जितना भी वीडियो होगा वो रेंडर होगा। तो मैं इसको 2 ही सेकंड कर देता हूँ, अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, जिससे कि आपका पीछे का बैकग्राउंड का वीडियो हर 2 सेकंड में क्या है रेंडर होता रहेगा। तो आपका वीडियो कुछ ही समय में क्या रेंडर हो जाएगा, आपको बार बार रेंडर करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा बहुत फास्ट पीछे क्या है वीडियो रेंडरिंग स्टार्ट हो चुकी है। इसके बाद यहाँ पे आपको जाना है प्ले के ऊपर क्लिक करना है, तो देख सकते हैं मेरा वीडियो यहाँ पे चल रहा है और उधर क्या है रेंडरिंग भी प्रोसेस स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पे मेरे वीडियो में कोई लैगिंग आपको देखने को नहीं मिल रही। इस प्रकार से आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं ग्राफ एडिटर का यहाँ पे काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा और बात करते हैं टाइमलाइन में क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं। जैसे कि यहाँ पे ये जो होता है रेंडर का ऑप्शन, इसके ऊपर मैंने पहले ही बात किया है। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन दूसरा आपको मिल जाता है मार्क का ऑप्शन, फिर यहाँ पे मिल जाता है ऑडियो रिकॉर्ड का। अगर इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप क्या है ऑडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको अभी छोड़ देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे मिलता है इक्वलाइजर का ऑप्शन। यहाँ पे आपको क्या करना होता है कि सिंपल से आप जिस ट्रैक के ऑडियो को घटाना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, लेफ्ट में या राइट पर करना चाहते हैं, आसानी से कर सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे यहाँ पे फीचर मिलते हैं जो आप जब वीडियो एडिट करेंगे तो आप धीरे धीरे आपको चीज़ों को क्या है समझ में आती रहेंगी। तो आज के वीडियो हम लोग इतना रखते हैं, अगले वीडियो मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।